दोस्तों एक बार फिर बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपके डीडीयू यूनिवर्सिटी से। डीडीयू यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन मैनेजमेंट कोटा है उससे के माध्यम से आप सभी के लिए कुछ रिजर्व सीट रखी गई हैं और उन सीटों का सिलेक्शन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। अभी किस डेट से किया गया है और क्या आपको करना है उसके लिए, आपको अगर एडमिशन पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इन सभी के बारे में फुल डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलो ये फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसी के साथ में वेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे नई वीडियो की जानकारी आप सभी को मिलती रहे। लाइक करके हमें भी मोटिवेट कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। चलिए नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ लेते हैं। दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेंशन किया गया फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, ये नोटिफिकेशन आज अभी अभी आई हुई है। यहाँ लिखा हुआ है एडमिशन नोटिस MBA मैनेजमेंट कोटा स्टूडेंट विंग टू टेक एन एडमिशन इन MBA सेल्फ फाइनेंस कोर्स इन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट अंडर मैनेजमेंट कोटा आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट दियर एप्लीकेशन ब्लू मेंशन फॉर्मेट थ्रू मेल ID मेंशन किया गया है sWARNIMA.GEO@DDU.GU.AC.IN पर ऑन बिफोर 12 सितंबर 2022 5 बजे तक। यूनिवर्सिटी मस्ट फॉलोइंग रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ UP गवर्नमेंट। कहने का दोस्तों साफ साफ मतलब ये बताया जा रहा है कि स्टूडेंट को बताया जा रहा है कि सेल्फ फाइनेंस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं दीन फैकल्टी में तो उसके लिए आपको कुछ मैनेजमेंट कोटा के माध्यम से कुछ एप्लीकेशन जारी किया गया है जो कि आप 12 सितंबर तक एप्लीकेशन को भर कर आप इस मेल ID पर मेल कर सकते हैं। हालाँकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये रिजर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट की पॉलिसी है। फिर बताया जा रहा है स्टूडेंट हु हैड अपेयर्ड इन द MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर इन ईयर 2022 एलिजिबल टू सबमिट हिज हर एप्लीकेशन अंडर मैनेजमेंट कोटा विद ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स। बताया जा रहा है कि अगर आपने अपेयरिंग है और आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज किया गया था दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 2022 में, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप भी अप्लाई कर दीजिए। उसके लिए आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स देने होंगे। जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि एनुअल फीस MBA कोर्स के लिए मैनेजमेंट कोटा का 1,08,000 रुपये हैं, साथ ही में आपके एग्जामिनेशन फीस और साथ ही में यूनिवर्सिटी फीस आपको अलग से देना होगा। दोस्तों अभी चलिए फॉर्म को मैं दिखा देता हूँ, फॉर्म में क्या फिलअप करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा है एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन MBA अंडर मैनेजमेंट कोटा, यहाँ अप्लाइड फॉर्म द कोर्स, या आप अप्लाई फॉर द कोर्स, इसमें आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, नेम आपका, फादर्स नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपको लिखना होगा, कैटेगरी, उसके साथ में सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, फिर आपका क्या है, मेल है कि फीमेल है, नेशनलिटी आपको भरना होगा, एड्रेस भरना, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ईमेल ID और योर अपेयर्ड इन डीडीओ MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 एस या नो। अगर आपने DDO में MBA का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया हुआ है 2022 में तो यस कीजिए, नो अगर नहीं दिया हुआ है तो नो करिएगा। रोल नंबर ऑफ DDO MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया तो उसके लिए आपको रोल नंबर डालना होगा। मार्क्स ऑफ स्कोर्ड एट DDO MBA एग्जामिनेशन, अगर आप DDO यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप दिए थे, आपका कितना नंबर था, कितना रैंक था कि आपका एडमिशन नहीं हो पाया था, इसके बारे में भी आपको फिल करना है। साथ ही में आपको बताया जा रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको सर्टिफिकेट्स क्या क्या देने होंगे, यहाँ कोर्स का नेम और बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर, परसेंटेज, डिवीजन, सब्जेक्ट, आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं सभी को देना होगा, साथ ही में पैन कार्ड, आधार कार्ड और ये सब भी आपको सबमिट करना होगा। और लास्ट में नीचे आप स्टूडेंट का सिग्नेचर होगा, स्टूडेंट का सिग्नेचर होने के बाद इसको आप स्कैन करके मेल कर सकते हैं। किस मेल पे आपको करना है, जो कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी, मेल ID भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। कब तक कर सकते हैं, 12 सितंबर तक। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए लेटेस्ट अपडेट, एडमिशन नोटिस थी और एडमिशन मैनेजमेंट कोटा द्वारा ये आपके लिए प्रस्तुत की गई थी। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।